देखिए जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। यहाँ कौन सी है, न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 200 का पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा, कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है, कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया, ये सब आप लोग के पूछना चाहिए। तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम लेते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हुआ है। हाँ तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। बिहार के पूरा देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग के ठगने का काम किए हैं, लोग समझ रहा है। पहले का पुराना पैकेट मिला है, बकाया पैसा है, जो पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, विधवा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं जी, महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोले और दाम बढ़ा जाता, और दाम बढ़ रहा है ना, सब रोकना होगा, ये सब मिलना चाहिए, महंगाई को हटाना चाहिए। लालू जी की तबीयत अचानक लालू जी की तबीयत भी खराब हो गई, जांच कराने गए।